रेडियो उड़ान प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सूचना का अधिकार। श्रोताओं, हम सब भारत के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक होने के नाते हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि हम यह जानें कि हमारे देश में हमारे क्या मूल अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या अन्य प्रकार के अधिकार हैं, और खास तौर पर जो कार्यक्रम आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना के अधिकार पर आधारित है। सूचना का अधिकार, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2005 यानी वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार के द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण राइट है, एक महत्वपूर्ण अधिकार है, एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उस समय अस्तित्व में आया था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमित भट्ट और वादे के मुताबिक हम लेकर आए हैं ये विशेष प्रसारण सूचना का अधिकार, जिसमें हम आपको जानकारियां देंगे सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने इस कार्यक्रम को तीन एपिसोड्स में डिवाइड किया है, तीन भागों में इसको विभाजित किया है, और आज यह है इस प्रसारण का पहला भाग है, फर्स्ट एपिसोड हम इसको कह सकते हैं, जिसमें हम आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनैतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सरीन लेखक, ऑथर और राजनैतिक विश्लेषक भी हैं और रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले अन्य तमाम खासतौर पर डिस्कशन और डिबेट से रिलेटेड प्रसारणों में आप डॉक्टर रमेश कुमार सरीन को सुन चुके होंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी फीडबैक या कोई भी प्रतिक्रिया हमें ऑन द स्पॉट यानी अभी जबकि यह कार्यक्रम जारी है, आप हमें स्काइप के माध्यम से टेक्स्ट करके अपनी फीडबैक भेज सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, रेडियो उड़ान। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार के बारे में हमारी डॉक्टर रमेश कुमार सरीन से बातचीत बस कुछ ही पलों में। आप बने रहें हमारे साथ रेडियो उड़ान पर, यह है प्रोग्राम सूचना का अधिकार। सरीन साहब नमस्कार, और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष प्रसारण में जिसका नाम है सूचना का अधिकार। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ सरीन साहब कि हालांकि बहुत से हमारे श्रोता जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए और किसी भी थीम को समझने से पहले, विषय को समझने से पहले, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि हम उसकी ABC जान लें, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि भाई ABC क्या है, यानी कि उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टर्म्स है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मैं चाहूंगा कि इसका बेसिक अगर श्रोताओं के लिए हम क्लियर करें और उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो हम इस पर और चर्चा करेंगे। तो ये सूचना का अधिकार दरअसल क्या है, मैं चाहूंगा यहाँ से आप शुरुआत करें। देखिए, इसको यूं लिया जाए कि सूचना
कोई चीज जानने की जिज्ञासा है और जानने की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए दिए गए तथ्य वो सूचना है। और अब हर तथ्य राइट टू इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, ये समस्या परे है। तो जब अधिकार मांग रहे हैं तो अधिकार मांगने वाला ये पूछने वाला नहीं है कि आप कितनी रोटी खाते हैं या आज का मौसम कैसा है या कहाँ हवा चल रही है या नहीं चल रही है। वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने किन्हीं उद्देश्यों के चलते अधिकार मांगने की बात है। कुछ है जो हम जानना चाहते हैं और बिना अधिकार के इस्तेमाल किए कोई हमें बताना नहीं चाहेगा। और शायद इसी बात को सोचते हुए के बावजूद भी कि सरकारी तंत्र में एक नियम ब्रिटेन के नियम को मानते हुए फॉलो किया गया था कि हर 10 वर्ष बाद हम जो कुछ भी हमारे यहाँ की सूचनाएं हैं उनको जनता जनार्दन के लिए छोड़ देंगे। अनुभव यह बताया जाता है कि वो पिक एंड चूज पे चलती हैं। इंग्लैंड में भी आज भी कई ऐसी सूचनाएं मांगने जाएं वो देने से इनकार कर देंगे। अगर आप उनसे पूछने जाएं कि आपको मालूम है जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे, पूरा डिटेल नहीं देंगे जी। तो ये जो न देने वाला काम है इसी ने अधिकार को जन्म दिया जी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, तो सरल भाषा में अगर हम ये कहें संक्षिप्त में कि ये सूचना का अधिकार दरअसल क्या है। ये कुछ यूं है कि मान लीजिए मैं नरेगा के तहत काम करता हूं गांव में, औरों को मान लीजिए 250 सैलरी किसी ने कहा मिल गई रोज की, मुझे 200 मिल रही है। अब मैं इसकी बजाय कि कोई मनमुटाव बनाऊं, मैं एक छोटे से प्रार्थना पत्र पे ये लिखता हूं कि आज की तारीख में पिछले एक महीने से आप श्रमिकों को क्या वेतन दे रहे हैं। इसके वजह मैं ये दावा ठोकूं मुझे 200 क्यों दे रहे हो, उसको 250 क्यों दे रहे हो। एक शिष्ट तरीका है कि पहले मैं जाकर पता करूं कि स्थिति है क्या, उसके बाद आगे बात बढ़ाओ कि मुझे क्या हो रहा है जी। ये आरटीआई की इन्फोर्समेंट सही मायनों में कब से हुई? 2005 में ऐसा माना जाता है कि इसको पारित किया गया था तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा, तो इसको इम्प्लीमेंट सही मायने में कब किया गया भारतवर्ष में? इम्प्लीमेंट तो 2005 से ही अपने ढंग से वो शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2005 के आसपास उसे शुरू कर लिया गया था, लेकिन उसमें कुछ सुधार चलते चलाते 2011 तक वो सारा खेल चला है। कुछ जोड़ा गया है, कुछ तोड़ा गया है, उसको डेट वाइज तो बताना इस कार्यक्रम में संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया जा सकता है कि 2005 में ही इसको आरंभ कर दिया गया था। सरी साहब, श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत आवश्यक होगा कि अगर हम आरटीआई का यूज करते हैं आवश्यकता पड़ने पर तो क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। अगर एक कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल करता है और उससे जो सूचना हमको मिलती है उसके लाभ क्या हैं, किस प्रकार ये हमारे जीवन में सहायक है? देखिए, जब हम कहते हैं कि हर किसी को बढ़ने की आजादी है, हर किसी को काम पाने की आजादी है, यदि समान योग्यता है तो उसके अनुसार काम भी पाने की आजादी है, ये सारी चीजें वाकई में क्या हैं या नहीं, क्या उनकी अनुपालना की जा रही है ईमानदारी से या नहीं, वो जानने का सबसे बड़ा सहयोगी तथ्य है। उसके अलावा सरकार अनेकों कार्यक्रम चला रही है, अनेकों कार्यक्रम में से हम कितने लाभान्वित हो रहे हैं, जितना कहा जा रहा है क्या हम उतने लाभान्वित हो पा रहे हैं। यदि नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा पूरा दायित्व तो बनता है कि हम एक आरटीआई डालकर पूछे, हमें बताया जाए कि कितने कितने लोग उतने लाभान्वित। ये जो सूचना का अधिकार है करीम साहब, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो कि इसके दायरे से बाहर हैं, यानी कि आप उन क्षेत्रों को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन से एरियाज हैं जो कि आरटीआई के दायरे में सही मायनों में नहीं आते हैं? देखिए, आरटीआई का सेक्शन 8 इस ओर संकेत करता है और उनमें लक्ष्य ये है कि वो चीजें जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है या इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ी हुई है
या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स से जुड़ी हुई हैं, रॉ से जुड़ी हुई हैं यानी रिसर्च एनालिसिस विंग से, या सीबीआई से, या डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से, या सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो से। और सीधा लक्ष्य यह कि वो चीजें जिन्हें गोपनीय रखा जाना चाहिए, जिनसे देश का हित जिनमें समाहित है, जिनसे अचानक कोई वो स्थिति ना बन जाए जो कंट्रोल से बाहर है। अब मान लीजिए उनसे कहें बीएसएफ या सीआरपीएफ या आईटीबीपी इनकी सूचनाएं दें कि इन्होंने कब कब क्या क्या किया, वो सूचनाएं देने में कतराहट है, क्योंकि बहुत बार देश के हित में कुछ ना कुछ चीजें आम जनता तक पहुंचाने में थोड़ी हिचक हो, तो आम जनता उतनी सेंसिटिव नहीं है और हर जगह क्यों और कैसे का जवाब दे भी नहीं सकते। जी, और मैं चाहूंगा कि हम श्रोताओं को ये भी बताते चलें कि राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर आरटीआई में कोई डिस्टिंक्शन है क्या, यानी कि आरटीआई का जो स्वरूप है उस स्वरूप में अगर हम राज्य स्तर पे उसका उपयोग करते हैं और केंद्रीय स्तर पर अगर हम आरटीआई फाइल करते हैं, तो इन दोनों में कहीं कोई डिस्टिंक्शन है, कोई फर्क है? देखिए, हमारा देश जो है वो संघात्मक है। संघात्मक होने के कारण निश्चित तौर पे नियम अलग अलग बना दिए गए। वो भी इसलिए बनाए गए कि हमारे यहाँ की जो संविधान में सूचियां हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची, उनके तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप जिस समय भी कोई ऐसा फाइल करेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी विषय पर फाइल करें जो राज्य सूची के तहत है, या केंद्र में करना है तो उसी विषय पर फाइल करें जो केंद्र सूची के तहत है। वैसे फाइल करने के ढंग उस समय कोई विशेष अंतर नहीं। जी, और इस पर मैं थोड़ा, जो मेरा अगला सवाल है, मैं इस पर विस्तृत जानकारी चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पे लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आरटीआई कैसे फाइल करना है। खैर, मेरा ये जो सवाल है वो कैसे फाइल करना है ये बाद में होगा, लेकिन इस समय एक बहुचर्चित जो चीज होती है कि पब्लिक अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं आरटीआई के संदर्भ में, तो ये पब्लिक अथॉरिटी इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरटीआई, व्हाट इज दैट? देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ाया भी गया है। सामान्यतः तो सार्वजनिक निकाय को आप पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। वो सारे के सारे निकाय जिनमें सरकार का 50% से ज्यादा शेयर है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का जमाना आ गया, अब एब्सोल्यूट पब्लिक अथॉरिटी आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ शेयर जरूर जाएंगे, लेकिन जहां भी सरकार ने 51% शेयर अपने पास रखे हैं वो पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। साथ ही साथ अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, चीजें निजीकृत होती चली गई, वो सेवाएं जो कभी सेवा थी आज धंधा हो गई, बिजनेस हो गई, लेकिन फिर भी कोशिश ये की गई है कि वो सेवाएं जो जिनसे जनता प्रभावित होती है उन सेवाओं को भी आप पब्लिक अथॉरिटी के तहत रखें। जैसे बिजली है, जैसे पानी है, लाख प्राइवेट हो जाए लेकिन आप उस पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसका कहीं मतलब नहीं फिर आप जाके किसी बिजनेस पर अटैक करें, वो कोई बिजनेस तो बिजनेस है, वो सेवा नहीं है। जी, इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 6, यानी कि जब हम सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की चर्चा करते हैं, तो हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए कहीं ये जानना आवश्यक होगा कि आरटीआई के संदर्भ में सेक्शन 6 के क्या मायने हैं। सरीन साहब, देखिए, सेक्शन 6 जो है सीधा सीधा आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी कंप्लेंट कैसे अप्लाई करनी है, आप अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे की जाएगी। मेन काम सेक्शन 6 का यही है, जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। आप सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कैसे करेंगे, अब इसके थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। ये सामान्य कागज पे लिखा सकती है,
लिखने की भाषा हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी हमारी प्रादेशिक भाषा हो सकती है। ये जो रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है, ये हम राज्य को भी कर सकते हैं और केंद्र को भी कर सकते हैं। यानी आप बता रहे हैं हाउ टू फाइल आरटीआई, दैट्स अ पार्ट ऑफ सेक्शन 6। ऑब्वियसली आपको ये मेरा अगला सवाल भी उसी से संबंधित था, तो इसको आप जोड़ते हुए कि भाई एक आम व्यक्ति आरटीआई को कैसे फाइल कर सकता है। इसीलिए मैं जांच के जी दोनों को जोड़ सेक्शन 6 कह रहा है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, यानी सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध। उसके अंदर ही बकायदा 2-3-4 सब सेक्शन बना के दिए गए कि कैसे आप सूचना प्राप्त करेंगे, जिसका पहला स्टेप यही है कि आप एक सामान्य कागज पे हिंदी या अंग्रेजी या किसी ऐसी प्रादेशिक भाषा जो आप बोलते हैं उसमें लिख के आप सूचना प्राप्त करें। दूसरा, सूचना या तो केंद्र से प्राप्त की जा सकती है या राज्य से। और ये जो सूचनाएं हमें प्राप्त करनी होगी, हमारी एप्लीकेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जाएगी, क्योंकि ऐसा शुरू से मान के चला गया जैसे ही एक्ट लागू किया गया पूरे देश में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जाल बिछाया गया, केंद्रीय स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी, और उनके अंडर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी रखे गए। और ये उस सीमा तक जाता है, मान लीजिए आप लिख भी नहीं सकते तो आप ओरली अपनी रिक्वेस्ट लेंगे, जबानी जाएं, कहें मैं ये चीज जानना चाहता हूं, वो आपकी पूरी बात सुन के उसे लिखित रूप में संबद्ध ऑफिसर को दे देंगे। और सबसे अच्छा इसमें यह है कि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा आप चाह क्यों रहे हैं, आपका चाहना ही कब पर्याप्त है, पूछना चाहते हैं दैट्स ऑल, क्यों चाह रहे हैं को देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसके लेटर का जो फॉर्मेट होगा उसमें कहीं नहीं लिख रहे कि मुझे इसलिए सूचना चाहिए, सीधा मैं इस अधिकारी को लिख रहा हूं मुझे पता चला है कि ये भर्तियां इस दौरान हुई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन भर्तियों का सविस्तार वर्णन क्या है, कहानी खत्म। उस पर आजकल 10 रुपए, और वैसे वो पैसा चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपनी आवश्यकता अनुसार बदलेगी। इन आपको न्यूनतम 10 रुपए की टिकट लगाकर आपको सूचना भेज देनी है, और जो भी विभाग होगा उसमें सिंपल सा उससे पहले लिख दीजिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जन सूचना अधिकारी और विभाग का नाम जी। और ये भी हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत से हमारे दृष्टिहीन श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, कोई ऐसी व्यवस्था या प्रावधान तो संभवतः अभी नहीं है जिसमें कि हम सिंपली ब्रेल का उपयोग करके, यानी ब्रेल पेपर में ब्रेल लिख करके हम आरटीआई की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसी तो शायद अभी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए वो थोड़े सतर्क और चालाक थे इसलिए उन्होंने ओरली की बात की, क्या जबानी जाइए दे दीजिए। अब कंप्यूटर के युग में आप ब्रेल की बात कर रहे हैं, कितने ब्रेल तक को जिंदा रख रहे हैं वो एक डिबेटेबल इशू है जी। और सरी साहब, कोई संबंधित विभाग जिसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति, कोई इस देश का नागरिक आरटीआई फाइल करता है तो कितने दिन का पीरियड है, वो समय अवधि क्या है जबकि संबंधित विभाग को किसी नागरिक के द्वारा फाइल किए गए आरटीआई का जवाब देना होगा? देखिए इसकी बहुत सीधा से इसका नियम है, प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जब वो मिल जाएगी ऑफिसर कंसर्न को, उसके 30 दिन के भीतर, इस आपके भेजने के अनुसार नहीं चलेगा, उन्हें मिलने के अनुसार चलेगा। और कई बार यह भी होता है कि जो सूचना मांगना चाहते हैं वो सूचना एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी अधिकारी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपने मुझसे सूचना मांगी, दूसरा आदमी उसमें शामिल है, तो मेरी ड्यूटी बनेगी कि मैं 5 दिन के अंदर दूसरे अधिकारी को से वो सूचना मांगू और आपको भी सूचित करूं कि साहब मैंने वो सूचना दूसरे अधिकारी से भी मांगी है, ताकि समयानुसार
वो 5 दिन उसमें से माइनस किए जा सके और 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। जी चलिए, चंद सवाल और होंगे आरटीआई के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर विशेष प्रसारण सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और आज इस विषय पर यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में बतौर पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कहना चाहिए कार्यरत हैं, और ऑथर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सरीन साहब, ये तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में जानकारी हासिल की, भाई दरअसल आरटीआई क्या है, इसके क्या दायरे हैं, क्या सीमाएं हैं और कैसे फाइल किया जा सकता है, लेकिन अब किस फॉर्मेट में ये हम सूचना के लिए कहना चाहिए कि अपना प्रपत्र भेज सकते हैं, यानी उस प्रपत्र का खाका क्या है जिसके माध्यम से हम सूचना के अधिकार के जरिए कोई सूचना अपने तक मंगाने की कोशिश करते हैं। मैं एक व्यावहारिक उदाहरण से चलता हूं। मान लीजिए मुझे समाज कल्याण विभाग के दफ्तर से सूचना लेनी है कि वो कितनी परियोजनाओं को उन्होंने आज तक ग्रांट दी है और ऐसी कौन सी परियोजना रह गई है जिनमें जिनको ग्रांट नहीं दी। तो उसका एक सीधा सा तरीका होगा, मैं पहले लिखूंगा जन सूचना अधिकारी समाज कल्याण विभाग शास्त्री भवन, या समाज कल्याण विभाग का आज जो नाम बदल गया है, क्या उसे बोलते हैं, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, समाज एंड न्यायिकता अधिकारिता, कुछ न्याय कुछ करके जो भी है, मैं वो लिख दिया केंद्र सरकार दिल्ली। ये पता लिखने के बाद मैं परियोजनाओं की ओर सीधा से लिखूंगा, महोदय मैं जानता हूं कि सरकार विकलांगों के कल्याण के लिए अनेकों परियोजनाओं को समर्थन आर्थिक समर्थन दे रही है, इस संबंध में मैं सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचना पाना चाहता हूं। नीचे नंबर एक, अब तक गत 1947 से आज तक कितनी परियोजनाओं को आर्थिक राशि दी गई है। नंबर दो, इन परियोजनाओं में निश्चय ही ऐसी भी कुछ परियोजना रही होंगी जिनको आर्थिक सहायता नहीं दी गई, वो कौन सी हैं? नंबर तीन, आप भविष्य में किन परियोजनाओं को और अधिक आर्थिक सहायता देना चाहते हैं? सर धन्यवाद। कोई इधर उधर की बड़ी बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि बहुत सिंपल और सापाट साधारण एक कहना चाहिए प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से, जिस प्रपत्र के माध्यम से या जिस फॉर्मेट को यूज करके हम सूचना का अधिकार के लिए कहना चाहिए कि एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सरी साहब, आज का जो आखिरी सवाल है वो जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत स्टेट एक्ट और फिर हम अगर यूनियन एक्ट की बात करें, केंद्रीय स्तर पर हम गवर्निंग एक्ट की बात करें, तो इन दोनों को अप्लाई करने में, यानी कि पिछले सवाल से कहीं ये सवाल कोरिलेट करता है कि दोनों को अप्लाई करने में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, यानी कि चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से श्रोताओं को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मैंने राज्य स्तर पर कोई सूचना का अधिकार के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया है, और उसके बाद दूसरे दिन मैंने केंद्रीय स्तर पर हमने सूचना का अधिकार का उपयोग किया है, तो उसमें जो टेक्निक होगी, जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा, उन दोनों में कोई फर्क होगा या वही सब खाका यूज होगा और वही सब तरीका यूज होगा? वही रहेगी प्रक्रिया, वही रहेगी जी, यानी कि वो तम जी
यानी कि केवल डिपार्टमेंट्स के नेम जाहिर सी बात है वो अलग होंगे, निकल जाएंगे, प्रक्रिया वही रहेगी, क्योंकि इसमें ऐसा बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि आप केंद्र से सूचना लेने के लिए राज्य के माध्यम से जाए, ऐसी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जी। आप तो सीधे सीधे जी आप कहें अपनी बात। किसी और कह दूं जो आपके प्रश्न का हिस्सा चाहे ना हो, शायद इसे समेटने के लिए बहुत जरूरी है। सूचना का अधिकार सुनने में बड़ा अच्छा लग गया, ये समझ आ गई साहब 30 दिन में हमें सूचना दे दी जाएगी, लेकिन सूचना देना एक प्रशासनिक जहां व्यवस्था है वहीं प्रशासनिक तकनीक भी है। आप बिल्कुल ना माने कि सूचना देने भर से सारे युद्ध जीत लिए जाते हैं, सूचना पाना किसी युद्ध के आरंभ की निशानी है, वो युद्ध जीतना नहीं है। जितनी स्पष्ट सूचना आप तक आएगी उतना ही सही ढंग से आप अपनी बात को सरकार तक रख पाएंगे और अपनी बात को मनवा पाएंगे, और इसमें एक लंबा गैप है। ऐसा भी बिल्कुल सुना जाता है कि बहुत से राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए जो लीडर्स काम करते रहे हैं, ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मरवा भी डाला गया है, तो एक चिंतनीय विषय है। एक लोकतंत्र में जहां आप एक और आप राइट टू इंफॉर्मेशन देते हैं, वहीं आरटीआई के एक्टिविस्ट को मरवा डालते हैं, इन दोनों के बीच में कैसे तारतम्य में बैठाया जाए और कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, इस पर सब लोगों को मिलकर चिंता करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। और चलने से पहले मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने कार्यक्रम सूचना अधिकार पर आधारित इस विशेष प्रसारण को 3 भागों में विभाजित किया है, एपिसोड की दृष्टि से हम इसको कह सकते हैं, प्रसारण की दृष्टि से। तो आज इस प्रसारण का यह पहला कार्यक्रम है, पहला भाग है, 27 अप्रैल वर्ष 2014 को यह आप प्रसारण सुन रहे हैं अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। इसका अगला प्रसारण आप सुनेंगे अगले शनिवार यानी कि 3 मई वर्ष 2014 को, और फिर अंतिम प्रसारण यानी कि तीसरा जो भाग होगा हमारे इस प्रसारण का वो होगा 4 मई रविवार का, वो दिन होगा। तो डॉक्टर साहब काफी सवाल और काफी चर्चा भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के संदर्भ में बाकी है, और मैं आशा करता हूं कि अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे श्रोताओं के साथ चर्चा के लिए। तो स्टूडियो में आने के लिए और हमको ये तमाम जानकारी आरटीआई के बारे में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता हमें इस विशेष प्रसारण या कार्यक्रम के संदर्भ में ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं या फीडबैक भेज सकते हैं, और अगर हमारे श्रोताओं के मन में कोई सवाल है तो वो भी आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम अपने विशेषज्ञ से आपके सवाल के बारे में उत्तर जानने का प्रयास करें। हमारा ईमेल आईडी है mail@radiouran.com, जी हाँ, और स्काइप पर भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। सुविधा की दृष्टि से मैं स्पेल आउट कर देता हूं, स्काइप आईडी है RADIOUDAAN। हमें आपकी रिक्वेस्ट का यानी कि स्काइप रिक्वेस्ट का इंतजार रहेगा, जिससे कि हम आपको अपने एंड से जोड़ सके और आपके सवालों का जवाब दे सके, आपके टेक्स्ट फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो श्रोताओं अगले शनिवार हम लेकर आएंगे ये विशेष प्रसारण सूचना का अधिकार, तब तक अपने दोस्त अमित भट्ट को अनुमति दीजिए, नमस्कार।